Right, next heading. Magnetic field due to a lamp is state confirmed. So, question number derive the expression for magnetic field due to a lamp is state confirmed by using Ampere's circuit law. By using Ampere's circuit law. तो एम्पीयर सर्किट का यूज करके हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर. तो लेट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैव करंट आई. वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट एट पॉइंट पी. तो टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी वी ड्रॉ एम्पीयर सर्किट ऑफ कोई पासिंग थ्रू पॉइंट पी. एम्पीरियन सर्किट क्या होता है बताओ. सर्किट यानी एम्पीरियन लूप ना सर्किट. तो एम्पीरियन लूप क्या होगा. लूप एट विच स्टेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एंड फील्ड इज पैरेलल टू द टेंजेंट. फील्ड एट दिस पॉइंट इज पैरेलल टू द टेंजेंट है ना. तो देखिए तो फॉर स्टेट वायर एम्पीरियन लूप विल बी एम्पीरियन लूप क्या होगा बताओ. एम्पीरियन लूप विल बी सर्किट ऑफ रेडियस आर. देखें वायर इन द सेंटर. देखें वायर इन द सेंटर तो हम क्या करते हैं सर्किट देते हैं ठीक है. ऑफ इस सर्किट की रेडियस कितना होगा आर होगा. दिस सर्किट पास थ्रू पॉइंट दिस सर्किट पास थ्रू पॉइंट पी ठीक है. आई फील्ड इज पैरेलल टू द टेंजेंट्स एट सेम एट दिस पॉइंट. सेम एट दिस पॉइंट ये आपका क्या हो गया एम्पीरियल लूप हो गया है ना. अब इस एम्पीरियल लूप में क्या करेंगे बताइए. एक छोटा सा करंट एलिमेंट एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे ठीक है. आप लें डीएल एक छोटा सा एलिमेंट डीएल ले लीजिए और लेकर ए बी छोटे से एलिमेंट डीएल से लिंक मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा. लेट डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज बी देन अप्लाई एम्पीयर सर्किट लॉ. एम्पीयर सर्किट लॉ एट पॉइंट पी. पॉइंट पी पर एम्पीयर सर्किट लॉ अप्लाई करके क्या मिलेगा. क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर पी डॉट डीएल इज इक्वल टू मी जीरो टाइम नेट करंट पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ द लूप. नेट करंट पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ द लूप ठीक है. तो देखिए डीएल इज अलोंग टेंजेंट. डीएल क्या है बताओ. डीएल इज वेरी स्मॉल. डीएल क्या है बताइए. एक स्मॉल क्वांटिटी है ना. एक स्मॉल लेंथ. तो लेट दिस इज पॉइंट पी और दिस इज आर एंड एस. डीएल लेंथ हम आर एस ले लेते हैं. आर एस ये आपकी लेंथ ठीक है. आर एस लेंथ हो गए. अब इस पर हमको क्या करना मतलब हाँ इसके लिए डी एल आर एस एंड आर आर मेरी कोच पूछे था ना कि डी एल की वैल्यू जब नेगेटिव और जीरो जब नेगेटिव और जीरो है टी एस इज मेरी कोच हुआ ना. इसलिए एस आर क्या हो जाएगा. एस आर हो जाएगा आपका टेन. एस आर क्या हो जाएगा टेन ना. अब उसमें देखिए फील्ड इज आल्सो लॉन्ग टेंजेंट. मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा बताओ. लॉन्ग टेंजेंट होगा. टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड दे अप्लाई राइट हैंड पाम रूल नंबर वन. रिकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल नंबर वन स्टेट योर फोर फिंगर्स एंड थंब मेजरली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सर्टेन फोर फिंगर इज टुवर्ड द पॉइंट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन पुश गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है ना ठीक है. तो फील्ड आपकी लॉन्ग टेंजेंट होगी और डी एल के लॉन्ग टेंजेंट में तो दोनों के बीच में क्या होगा जीरो ठीक है. एंगल बिटवीन बी एंड डी एल क्या होगा. बी डी एल के बीच में जो एंगल है वो आपका जीरो ठीक है. चलिए इसको अप्लाई कर दीजिए. तो ए डॉट बी क्या होता है. ए बी कॉस कितना होता है. तो बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा. बी डी एल कॉस जीरो. बी डी एल कॉस ऑफ जीरो. इसके बाद क्या हो जाएगी बी जीरो टू वाई हो जाएगा. तो बी क्या दीजिए कॉन्स्टेंट. बी क्या है कॉन्स्टेंट है. मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट इज कॉन्स्टेंट. तो बी आपका बाहर हो जाएगा. तो बी क्लोज इंटीग्रेशन डी एल इन टू वन इक्वल टू बी जीरो आई ठीक है. तो हो जाएगा आपका बी क्लोज इंटीग्रेशन डी एल इक्वल क्या होगा. जैसे डी एल लेते हैं तो जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट
व्हाट इज सरकमफेरेंस ना, तो सभी डीएल लेंथ को जोड़िएगा सरकमफेरेंस के ऊपर, तो आपको क्या मिलेगा सरकमफेरेंस मिल जाएगा, टोटल सरकमफेरेंस है। ये किसको बता रहा है सरकमफेरेंस ऑफ द लूप, इंफीरियर लूप, तो ये सरकमफेरेंस ऑफ द इंफीरियर लूप, सरकमफेरेंस ऑफ द इंफीरियर लूप ना, तो सरकमफेरेंस ऑफ द इंफीरियर लूप ऑफ रेडियस आर क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, या 2 पाई आर मिलेंगे, फिर मेजर वाई हो गया, यहां से बेस फोर कितना हो जाएगा मेजर बाय 2 पाई आई अपॉन आर, आई अपॉन आर, तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओके। अच्छा दिस फील्ड इज डायरेक्टेड व्हाट के लिए इनवर्ड, ये फील्ड क्या होता व्हाट के लिए इनवर्ड है ना, यहां पर कैसे क्रिएट होगी क्रॉस फील्ड होगी एट पॉइंट पी, और राइट साइड में किधर कैसा होगा अपवर्ड होगा व्हाट के लिए अपवर्ड ठीक है, यहां डॉट से दिखा दिया क्रॉस क्या बता रहा व्हाट के लिए डाउनवर्ड फील्ड को बता रहा, डॉट क्या बता रहा व्हाट के लिए अपवर्ड फील्ड को ठीक है, इसे लिखा पे कर दिया